दोस्तों, हमें जिस कार का इतने दिनों से बेसब्री से इंतज़ार था, वो कार को अभी अनवील कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाटा 5 इलेक्ट्रिक वर्जन के ऊपर। जैसे कि पिछले कई दिनों से सुनने को आ रहा था कि टाटा 5 का ईवी वर्जन जो है वो 2024 में लॉन्च किया जाएगा, तो फाइनली इस कार का बुकिंग स्टार्ट कर दिया गया है। 21,000 में आप इस कार को बुकिंग कर सकते हैं टाटा की ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर टाटा की डीलरशिप में। तो आज हम बात करेंगे इस टाटा 5 ईवी में क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा, लाइक टाटा 5 पेट्रोल वेरिएंट क्या क्या नई चीज़ ऐड किया गया है, क्या क्या नए चीज़ एक्स्ट्रा दिया गया है, इस सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा करके जानेंगे। सबसे पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि टाटा 5 ईवी ACTI.EV प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस है। टाटा 5 ईवी फर्स्ट प्रोडक्ट है जो कि सेकेंड जनरेशन आर्किटेक्चर के ऊपर बना हुआ है। इस आर्किटेक्चर के ऊपर और भी काफ़ी सारी कार बनाया जाएगा पिछले 1.5 साल में, जो टाटा के कहना है। तो दोस्तों, अगर एक्सटीरियर लुक की बात करें तो आप देखेंगे कि इसका जो लुक है वो टाटा नेक्सन के ईवी के लुक्स में काफ़ी अंतर दिखाई देगा। जैसा टाटा नेक्सन ईवी में आपको कनेक्टेड एलईडी डायल्स देखने को मिला था, वैसे ही टाटा 5 ईवी में भी आपको ऐसा ही एलईडी डायल्स देखने को मिलेगा। और हेडलैम्प्स और फॉग लाइट्स भी आपको नेक्सन की तरह ही एलईडी सेटअप में देखने को मिलेगा। तो 5 ईवी का जो फ्रंट का जो लुक है वो नेक्सन से काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन एक डिफरेंट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि चार्जिंग का प्लेसमेंट है। वो टाटा 5 ईवी में आपको सामने ही टाटा के लोगों के नीचे कर दिया गया है। अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड में खास कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। ऑलो व्हील्स का डिज़ाइन आपको चेंज देखने को मिल सकता है, शायद नेक्सन की तरह ही आपको एलो व्हील्स का डिज़ाइन यहाँ पर दिया जाएगा। पीछे के लुक्स की अगर बात करें तो पीछे का लुक्स भी 5 पेट्रोल वेरिएंट के जैसा ही है। टेल लैम्प्स का डिज़ाइन सेम है, बस नीचे की तरफ जो दो सिल्वर कलर का जो बम्पर दिया गया है वो थोड़ा अलग है, नया दिया गया है, जो कि जिसके जरिए लुक्स भी और भी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। एक्सटीरियर में और कुछ खास ऐसा चेंजेस नहीं देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं इंटीरियर की। दोस्तों, इंटीरियर में आपको डैशबोर्ड जो है वो सेम ही देखने को मिलेगा लाइक टाटा 5 पेट्रोल वेरिएंट, लेकिन जो स्टीयरिंग व्हील है वो यहाँ पर आपको इल्यूमिनेटेड दिया जाएगा लाइक टाटा नेक्सन ईवी की तरह। और इसमें जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो भी आपको टाटा नेक्सन ईवी की तरह ही दिया जाएगा, और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको यहाँ पर डिजिटल देखने को मिलेगा। अंदर आपको लेदर एड सीट्स मिलेगा, फ्रंट 2 वेंटिलेटेड सीट्स भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, आप बात करते हैं वेरिएंट की, कितने वेरिएंट में आपको टाटा 5 ईवी मिल सकता है, सॉरी कितने वेरिएंट में टाटा 5 आपको मिल रहा है। पहले हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर दो ऑप्शन आपको पहले ही दे गया है, जो कि है स्टैंडर्ड और दूसरा है लॉन्ग रेंज। स्टैंडर्ड में आपको 300 किलोमीटर का रेंज मिल जाता है। अगर आप लॉन्ग रेंज अफोर्ड करते हो तो यहाँ पर आपको 350 से लेकर 400 तक का एवरेज मिल जाएगा। स्टैंडर्ड में आपको 3.3 किलोवाट का वॉल बॉक्स चार्जर मिलेगा। लॉन्ग रेंज पे आपको 7.2 किलोवाट का फास्ट चार्जर दिया जाएगा, जो कि बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सुपर है। और टाटा 5 ईवी आपको 5 ड्यूल टोन ऑप्शन के साथ कलर में मिल जाएगा। टाटा 5 ईवी आपको 5 वेरिएंट में मिल जाएगा लाइक टाटा नेक्सन ईवी, जैसे कि स्मार्ट, स्मार्ट प्लस, एडवेंचर, एम्पावर्ड एंड एम्पावर्ड प्लस। तो दोस्तों, आप बात करते हैं वेरिएंट वाइज फीचर्स की।
स्मार्ट वेरिएंट में आपको मिल जाएगा एलईडी हेडलैम्प्स, स्मार्ट डिजिटल डीआरएल्स, मल्टी मोड रीजनल फंक्शन, ईएसपी या ईएसपी और 6 एयरबैग आपको मिल जाएगा। एडवेंचर में आपको और भी काफ़ी फीचर्स ऐड होते हैं, जैसे कि क्रूज कंट्रोल, फ्रंट फॉग लाइट्स विद कॉर्नरिंग फंक्शन, 7 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है हार्मन का, एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार कनेक्टिविटी, ईपीडी विद ऑटो होल्ड फंक्शन ये मिलता है आपको सिर्फ लॉन्ग रेंज वेरिएंट में, ज्वेल कंट्रोल नॉब ये भी मिल जाता है आपको लॉन्ग रेंज वेरिएंट में, और इसमें आपको मिल जाता है सनरूफ जो कि इस वाले वेरिएंट से आपको ऑफर किया जाएगा। इसके बाद आता है एम्पावर्ड। एम्पावर्ड वेरिएंट में आपको मिल जाता है 16 इंचेस का डायमंड कट एलॉय व्हील्स, एयर प्यूरीफायर विथ AQI डिस्प्ले, ऑटो फोल्डिंग ORVMs मिल जाता है, 7 इंचेस का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, 10 इंचेस इंफोटेनमेंट सिस्टम, SOS फंक्शन और सनरूफ आपको मिल जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसका टॉप वेरिएंट यानी कि एम्पावर्ड प्लस के। इसमें आपको मिल जाता है लेदर एटेड सीट्स और फ्रंट में 2 आपको वेंटिलेटेड सेट्स मिल जाता है, 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट व्यू मॉनिटर, वायरलेस चार्जर, 10 इंचेस का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और आपको मिल जाता है यहाँ पर Arket.EV। दोस्तों ये था वेरिएंट्स के ऊपर कुछ फीचर्स। अब बात करते हैं प्राइस की। दोस्तों इसका प्राइस आपको 10 लाख से 15 या 16 लाख के अंदर आपको इसका सारी वेरिएंट्स मिल जाएगा। तो दोस्तों इस रेंज का अगर रेंज के अंदर अगर इस गाड़ी मिल जाता है तो ये बहुत बढ़िया है। और अगर सेफ्टी की बात करें तो टाटा तो सेफ्टी के बारे में कभी कंप्रोमाइज़ करता ही नहीं है, सेफ्टी ऐप पर आपको भरपूर दिया जाएगा। तो दोस्तों मेरे ख्याल से एक बहुत बढ़िया कार रहने वाला है टाटा की ओर से। तो दोस्तों ऐसे ही और भी गाड़ियों के बारे में इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें।